नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। फ्री में हमें कोई चीज मिल जाए तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। आप सभी ने भी कोई ना कोई मूवी देखने के लिए अपने दोस्त का नेटफ्लिक्स अकाउंट कभी ना कभी जरूर लिया होगा, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल भारत में आज से कंपनी ने पासवर्ड शेयरिंग सिस्टम खत्म कर दिया है और यूजर्स को एक ईमेल इससे जुड़ा भेजा जा रहा है। ईमेल में कंपनी यूजर्स को कह रही है कि उनका अकाउंट सिर्फ उनके और उनके घर के सदस्यों के लिए है। यदि आपके घर के बाहर कोई अन्य व्यक्ति आपके खाते का उपयोग कर रहा है तो उन्हें अपनी प्रोफाइल एक नए खाते में ट्रांसफर करनी होगी, जिसके लिए उन्हें भुगतान और अपना पासवर्ड बदलना होगा। OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ये कदम अचानक उठाया गया। हालांकि लंबे समय से कंपनी पासवर्ड शेयरिंग को खत्म करने की बात कह रही थी। कई देशों में नेटफ्लिक्स ने पहले ही पासवर्ड शेयरिंग को खत्म कर दिया है। इससे कंपनी को यूजर बेस भी बड़ा है। नेटफ्लिक्स में एक नया ब्लॉग पोस्ट शेयर किया है जिसमें कंपनी ने लिखा है कि कंपनी ईमेल उन सदस्यों को भेजेगी जो भारत में अपने घर के बाहर नेटफ्लिक्स अकाउंट साझा कर रहे हैं। एक नेटफ्लिक्स खाता एक परिवार द्वारा उपयोग के लिए है। उस परिवार में रहने वाले हर कोई नेटफ्लिक्स का उपयोग कर सकता है, चाहे वो कहीं भी हो, घर पर चलते फिरते या छुट्टी पर। यूजर्स ट्रांसफर प्रोफाइल और मैनेज एसेस डिवाइस जैसी नई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कंपनी ने आगे लिखा कि हम मानते हैं कि हमारे सदस्यों के पास मनोरंजन के लिए कई विकल्प हैं। यही कारण है कि कंपनी विभिन्न प्रकार की नई फिल्में और टीवी शोज में भारी निवेश करना जारी रखती है। चाहे आपका टेस्ट, मूड या भाषा कुछ भी हो, आप जिसके साथ भी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ संतोषजनक होता है। अगर आपने अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट पहले किसी व्यक्ति को दिया था तो आप इससे मैनेज एसेस डिवाइड में जाकर हटा सकते हैं। यदि आप अपना अकाउंट टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नेटफ्लिक्स हाउसहोल्ड को ऑन करना होगा। कंपनी ने कहा कि जो डिवाइस इस टीवी के सामने इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करते हैं वे स्वचालित रूप से यूजर्स के नेटफ्लिक्स हाउसहोल्ड का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।